एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से मिल रही है, जहां बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म एक पर भगदड़ मच गई है, जिसमें 9 लोगों के घायल होने की भी खबर है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भीड़ ज्यादा होने की वजह से ये भगदड़ मची। त्योहारी सीजन है, छठ और दीपावली के लिए लोग यहाँ पर अपने घर जाने के लिए ट्रैवल कर रहे थे, और इसी बीच भीड़ इतनी ज्यादा हो जाएगी इसका अंदेशा पहले से नहीं लगाया गया था, लेकिन भीड़ ज्यादा हो गई, उसके बाद भगदड़ मची। 9 लोग यहाँ पर जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जो लोग बताया गया जिन्हें ज्यादा चोटें आई थी, उन्हें दूसरे अस्पताल में भी रेफर कर दिया गया है। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप देखेंगे कि यहाँ पर कैसे भगदड़ मची, और उसके बाद की भी तस्वीरें बहुत परेशान कर देने वाली हैं। हालांकि यहां पर रेलवे अधिकारियों के साथ साथ, पुलिस के साथ साथ जो लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी आगे बढ़कर मदद की, और किसी तरह फौरन लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, और जान माल का यहां पर नुकसान नहीं हुआ, ये गनीमत रही। बड़ी खबर, बांद्रा टर्मिनस पर भगदड़ मची, और इसी भगदड़ में 9 लोग घायल हो गए। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अब और ज्यादा पुख्ता बंदोबस्त यहां पर जरूर किए जाएंगे, क्योंकि भीड़ यहां पर ज्यादा हो गई, इस बात का अंदेशा पहले से नहीं लगाया गया था। कई सारी एडिशनल ट्रेनें भी हैं जो रेलवे की तरफ से त्योहारी सीजन में चलाई गई हैं, अब ऐसे में भीड़ यहां पर ज्यादा हो गई और 9 लोग जख्मी हो गए। दो तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई आपके टीवी स्क्रीन पर। तो भगदड़ में 9 लोग जख्मी हुए हैं, और इसी से जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी देने के लिए विजय देसाई मेरे साथ इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधा उनका रुख करते हैं। विजय, बताया जा रहा है 9 लोग जख्मी हुए हैं, जो ज्यादा घायल हुए हैं उन्हें भी रेफर किया गया है बेहतर अस्पताल में, क्या इस वक्त वहां की सिचुएशन को लेकर जानकारी आपके पास? अभी जी जानकारी है, यहाँ पे जो ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे ये बांद्रा टर्मिनस है, बांद्रा टर्मिनस में जो गोरखपुर जाने वाली जो ट्रेन थी, वो ट्रेन जो है सिर्फ संडे में जाती है और त्यौहार के लिए जाती है। इसके लिए ये जो पूरा जो उनका बोगी रहता है, वो पूरा बोगी जो है वो जनरल रहता है, और जनरल डिब्बे में बैठने के लिए सब लोगों जो है एक साथ टूट पड़े, इसके लिए ये भगदड़ हो गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ उनकी जो चप्पल है, आप ये चप्पल भी गिर गए हैं, बहुत सारे चप्पल, पूरा जो प्लेटफॉर्म है चप्पलों से भीड़ जो भर गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो पूरा जो प्लेटफॉर्म था पूरा भर गया था यहाँ, क्योंकि यहाँ से मुंबई में बांद्रा के आसपास में और वसई विरार के तरफ बहुत सारे उत्तर भारतीय लोग रहते हैं और प्रवासी रहते हैं, वो गांव में जाने के लिए, अभी छठ पूजा है इसके लिए एक ट्रेन से जाते हैं, और त्यौहार होने के कारण यहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ पे जो लोग हैं गांव जा रहे थे, और उस दरमियान यहाँ पे जो भगदड़ मची, और भगदड़ मचने के बाद यहाँ ये इस घटना में 9 जन घायल हुए हैं, उसमें से 2 जन की प्रकृति गंभीर है, उनके ऊपर बाबा अस्पताल है उधर, उनके ऊपर इलाज शुरू है। ये पूरी जानकारी यहाँ के जो पुलिस है, RPF है, GRPA, इन्होंने ये इस घटना की चौकसी बिठाई है, और जो रेलवे प्रशासन है इसकी जांच कर रही है कि ये भगदड़ कैसे मची, यहाँ के जो पुलिस थे, जो सुरक्षा कर्मी थे, वो क्या कर रहे थे, ये इसकी भी जांच होने वाली है। ठीक है विजय, आप बने रहिए, अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि कैसे यहाँ पर, आपको बता दें कि भगदड़ मच जाती है, 9 लोग इसमें जख्मी हुए, और उसके बाद एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है, स्टेशन पर ये भगदड़ मची और उसके बाद फौरन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। विजय, जैसा आप बता रहे हैं कि सिर्फ संडे को ही ये ट्रेन चलती है, तो क्या प्रशासन को इसकी जानकारी पहले से ही नहीं मालूम थी? अगर सिर्फ एक दिन ये ट्रेन चलती है तो फिर ये जाहिर है कि भीड़ तो यहाँ पर होगी ही, और फिर त्योहारी सीजन भी है, तो क्या पुख्ता इंतजाम पहले से नहीं किए गए? लगभग 80 पुलिस कर्मी थे, ऐसा कहा जा रहा है, यहाँ के लोग बता रहे थे पुलिस थे, लेकिन वो पुलिस एक्शन में नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे जो समझो रस्सी वगैरह लगा के जो प्रवासी है उनको जाने को देते थे, तब ये भगदड़ नहीं मचती थी, क्योंकि ये 3 बजे यहाँ पे जो ट्रेन आ चुकी थी, इसके लिए वहाँ इनके पास बहुत सारा टाइम था, क्योंकि 5 से 6 बजे के दरमियान ये ट्रेन जो है छुट्टी है, इसके लिए इतना लंबा टाइम होने के बाद भी ऐसी घटना घटे, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्व ये घटना है,
क्योंकि इसकी जांच होनी चाहिए। कौन दोषी है, जो दोषी है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी घटना वापस ना घटे इसके लिए इंतजाम भी रेलवे ने करना चाहिए। बिल्कुल विजय, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और जैसा आपने बताया कि उनके पास समय था, वक्त था, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लापरवाही अगर सामने आई है तो उसकी जांच भी अब की जाएगी। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनको इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस भगदड़ में 9 लोग जख्मी होने की उनकी खबर मिल रही है। बांद्रा टर्मिनस पर ये बड़ी भगदड़ मची और उसके बाद की तस्वीरें भी आप देखेंगे। लोगों की जो फुटवेयर्स हैं आपको दिखाई देंगे, कैसे चप्पल यहाँ पर नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। अब ऐसे में क्या इस भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता था, क्या ये सिचुएशन बन ही नहीं सकती थी अगर वहां पर जो तमाम अधिकारी मौजूद थे वो एक्टिव रहते। जैसा विजय भी बता रहे हैं कि वहां पर डिप्लॉयमेंट तो था लेकिन उतना ज्यादा एक्टिव तमाम अधिकारी वहां पर दिखाई नहीं दिए और इसी वजह से एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ, यानी कि एक भगदड़ की तस्वीर यहां पर मचती हुई नजर आई। विजय हमारे साथ लाइव मौजूद है। विजय, अब क्या जांच इसको लेकर की जा रही है, इससे जुड़ी हुई कोई खबर? जैसा आप बता रहे हैं कि एक्शन में अगर तमाम अधिकारी नहीं थे तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। फिर बराबर है, यहाँ पे जो भगदड़ मची है इसका कोई तो फेलुलर है और फेलुलर होने के वजह से ऐसी घटना दुर्घटना जो होती है और इनके इनके ऊपर मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पहली तो बात ऐसे है, आज संडे है, इसके लिए यहाँ के जो अधिकारी है और PRO है वो आज नहीं रहते, उसके लिए उनका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है अभी तक हमको मिला नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि आज संडे है, वो प्रेस नोट रिलीज करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए उन्होंने अभी तक कुछ भी इंतजाम नहीं किया। कोई भी अधिकारी इस घटना के बारे में बोलने के लिए सामने नहीं आ रहा है, इसके लिए इसके बारे में बहुत शंका भी जताई जा रही है, क्योंकि ये पूरा जो घटना घटी है, इतने 9 लोग घायल हुए हैं, इसमें किसी ना किसी अधिकारी का ये फेल्यूलर है और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रवासी जो जाते हैं अपने गांव में जी, वो अपने जान को खतरा होने के लिए नहीं आते, क्योंकि उनको सुरक्षित पहुंचाना ये रेलवे का कर्तव्य है, क्योंकि रेलवे उससे पैसा लेती है, जैसे पैसा लेते उसका सुविधा भी वैसा ये जो रेलवे प्रशासन है उन्होंने यात्रियों को देना चाहिए। और ऐसा देखने जाए तो प्रवासी के लिए कोई भी सुविधा रेलवे देती नहीं है, इसके वजह से ये ऐसी सारी घटना घटती रहती है। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा, कोई अपडेट होगा क्योंकि अब इसकी जांच भी की जाएगी तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक बार फिर से अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। बताया गया जनरल बोगी में चढ़ने को लेकर ये पूरी भगदड़ जो है वो यहाँ पर मचती हुई नजर आई। बांद्रा टर्मिनस पर भगदड़ मची है और इसी भगदड़ में 9 लोगों के जख्मी होने की जानकारी है। ट्रेन में चढ़ने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है, ऐसे में 2 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिनकी हालत बहुत गंभीर है, उन्हें दूसरे अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अब जानकारी वहां से ये भी मिल रही है कि मुकम्मल समय होने के बावजूद भी एक्शन में जो वहां पर जिनकी ड्यूटी थी वो नहीं नजर आए, ऐसे में ये हादसा टाला जा सकता था, इसकी भी जांच अब की जा रही है।